ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन का प्लान बनाया गया है, प्लीज आप उन्हें ऑपरेशन करने से रोकें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर हाईकोर्ट से इस्तदा, 121 केसेस में कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत में इमरान खान ने रोस्ट्रम पर कहा, पिछली बार आपने ऑपरेशन रोका था लेकिन पुलिस ने घर में तोड़ फोड़ की। दो रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब इम्तिहान बन गया, नाम फाइनल ना होने से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ गई। ओपोजिशन और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के आज़ाद कश्मीर की वज़ारत-ए-उस्मा के मुत्तफ़िका उम्मीदवार चौधरी रशीद होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद मुमकिन खिफत से बचने के लिए कायदे ऐवान के इंतखाब का बायकॉट कर सकता है। ओपोजिशन में भी फूट पड़ गई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने वज़ारत-ए-उस्मा के लिए अलग अलग उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने का मामला फिर लटक गया, स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म, मामला वफाकी काबीना और कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में फैसला, वजीर कानून ने कहा अदलिया से टकराव नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम लेकिन आइन सबसे मुकद्दम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया, पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में सियासी और माशी अमूर पर गुफ्तगू होगी। वफाकी काबीना इजलास में पार्लियामेंट की कार्रवाई समेत अहम अमूर पर बहस की जाएगी। सेनेट इजलास कल तलब कर लिया गया, दहशतगर्दी समेत अहम मामलात एजेंडे में शामिल, हुकूमत की जानिब से अहम बिल सेनेट में लाने का इम्कान। साजिश के जरिए इक्तदार में आने वाले इमरान खान एक और साजिश कर रहे हैं, सूबाई वजीर इत्तला सिंध शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आज इमरान खान की वजह से मुल्की सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई, असल में खलीलजाद इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, दोनों में एक बात मुश्तरक है, दोनों तालिबान की हिमायती हैं। इमरान खान बताएं साइफर, बैरूनी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत की बातें कहाँ गईं। हज़ार महीनों से बेहतर शबे कदर आज मनाई जाएगी, लैलतुल कदर के मौका पर मुल्क भर में खत्मे कुरान की महाफिल होंगी, रात भर इबादत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, मस्जिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, सिंध हुकूमत का 27वें शब के मौका पर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान।